हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज मनीशन यूर वॉचिंग दिस क्रेजी और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैतलाज्मा के बारे में और जो लोग की जैन तलाजमा नहीं समझते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है अराउंड आई एरिया तो मुझे भी था और मैंने कैसे उस प्रॉब्लम से ओवरकम किया और क्या मेरा जर्नी था आज वही हम लोग शेयर करेंगे आपसे एंड अनदर थिंग इज़ लाइक मेरे प्रीवियस uh, वीडियोस पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग जैनथलाजमा एंड उसकी सर्जरी के रिगार्डिंग तो आज मैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी इस, इस वीडियो में दूंगी सो so, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मुझे जो जान थलाज्मा का प्रॉब्लम हुआ था वो अपर आईलेट और लोअर आईलेट पे हुआ था तो मैंने उसका सर्जरी कराया मैंने सर्जरी कराया गोरखपुर में तो उसका जो रिकवरी जर्नी है मैं पहले आपको वो बता दूं कि मैंने कराया यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है और अपर आईलेट पे थोड़े थोड़े तो आ, पहले तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि कराना है नहीं कराना है लेकिन फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि दिस इज़ द बेस्ट यू कैन डू बिकॉज इसमें कम स्काज आएंगे अगर आप लेज़र से कराने जाओगे तो वो एक्चुअली उतने जगह का वो थोड़ा बर्न हो जाता है एंड वहाँ की स्किन डिसकलर हो जाती है तो उसने कहा था डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप सर्जरी कराओ उससे कम आपको यू you नो know, जो आपके स्काज होंगे वो कम होंगे तो मैंने भी बस भगवान भरोसे जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया मैंने भी बोला कि ठीक है आप वो कर दो तो मेरा सर्जरी हुआ एंड सर्जरी में स्टिचेस लगे यहाँ से यहाँ तक यहाँ द फोटो तो एक हफ़्ते में वो टाका कट गया एंड डॉक्टर ने फिर मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी खाने के लिए एंड लगाने के लिए तो फिर मैंने वो लगाया वो दवाई मैंने तीन महीने तक लगाई और अब काफ़ी कम विजिबल है बहुत कम विजिबल है तो मैं अभी आपको फ़ोटो यहाँ पे डाल लूँगी तो मतलब अभी तो हल्का सा मेकअप है मैं ऐसे रॉ फोटो भी डालूंगी तो अभी इतना दिखता नहीं है तो ये मतलब उन सब लोगों के लिए ये बताना चाहती हूँ कि जिनके फेस पे है और यू you नो know, जो जो इसका कुछ करना चाहते हैं इसको हटाना चाहते हैं लेकिन दे डोंट नो कि क्या करना है और कैसे करना है तो आप सर्जरी का ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हो इसमें मिनिमम स्कारिंग होती है ठीक है एंड अनदर थिंग इज लाइक बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे इसके रिगार्डिंग कि मैंने सारे क्वेश्चन जो है मैंने कोशिश की है कि सारा इस वीडियो में uh, सबके जवाब दूँ तो बहुत सारे लोगों का हेल्प हो ये सारे सवालों के जवाब देने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये रीअकर हो जाता है ठीक है रीअकर हो जाता है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि जब मुझे जैन हुआ तो मुझे यहाँ और यहाँ बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हुआ ठीक है वो बहुत दिखता था वो काफ़ी बड़ा बड़ा था ठीक है और मुझे दो जगह और हुआ एक यहाँ पे हल्का सा एंड यहाँ और यहाँ ठीक है मतलब उसको उस टाइम डॉक्टर उसको ऑपरेट नहीं कर सकती थी मैंने डॉक्टर से बोला था कि आप इसको भी लगे हाथ चू जब ऑपरेशन हो ही रहा है स्टिचेस लग ही रहे तो आप इसको भी कर दो लेकिन डॉक्टर ने उस टाइम मना कर दिया बिकॉज वो डिफाइन नहीं था क्या होता है जान्तलाजमा एक पर्टिकुलर आ, एरिया में जब वो होता है तो वो थोड़ा सा उभर जाता है तो मेरे साथ में प्रॉब्लम ये हुई थी कि दो ऊपर और नीचे वाले जो थे वो एकदम डिफाइंड थे उनको ऑपरेट किया जा सकता था लेकिन जो यहाँ यहाँ और हल्का सा यहाँ यहाँ जो था वो डिफाइन नहीं था तो डॉक्टर वॉज लाइक कि हम कितना यू you नो know, हम कितना कट लगाएंगे कितना कैसे स्टिच करेंगे तो उसने मुझे बोला था कि जब तक ये डिफाइन ना हो जाए तब तक इसका करना थोड़ा मुश्किल है तो एंड आई वॉज लाइक ठीक है जॉब कह रहे हो ठीक है फिर क्या हुआ वो अभी हल्के हल्के हैं मुझे यहाँ और यहाँ पे जो कि इतने इतने ज़्यादा नहीं है तो यू you नो know, हमको वो इतना अभी बॉदर नहीं करता है लेकिन ये ऐसा नहीं कि मुझे रीअकर हुआ है ये मुझे पहले से था बस हम उसको ऑपरेट नहीं करा पाए थे क्योंकि वो डिफाइन नहीं था उसका एरिया डिफाइन नहीं था तो बहुत सारे लोगों को रीअकर भी हो जाता है जैसे मेरी मम्मी ने केमिकल पील कराया था उनका रीअकर हो गया जरूरी नहीं है कि रे अगर आपको उसी जगह पे हो कहीं आसपास किसी और जगह भी हो सकता है जरूरी नहीं कि उसी सेम स्पॉट पे हो तो ये अपने प्रोज और कॉन्स हैं इसके कराने के मतलब यू you नो know, आप उससे यू इफ़ यू वांट टू गेट रेड ऑफ इट आप हो सकते हो लेकिन ज़रूरी नहीं है वो वापस भी आ सकता है तो उसके लिए बस आप यही कर सकते हो यार कि अच्छा डाइट मेंटेन करो एक्सरसाइज करने की कोशिश करो यही सब कुछ प्रिवेंटिव चीजें कर सकते हैं और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल जो होता है नॉर्मल होता है देन ऑल्सो दे गेट दिस प्रॉब्लम ऑफ जैनथ लाजमा उसका रीजन यह है कि जो मुझे डॉक्टर ने बताया मैं आपको बस वही बता रही हूँ कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये जेनेटिकली uh, भी होता है बिकॉज मेरी मदर को है तो हमको भी हो गया तो या yeah, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत हाई होगा देन ओनली यू विल गेट बहुत सारे लोगों को बहुत कोलेस्ट्रॉल हाई होता है 400 500 होता है लेकिन उनको जैन का प्रॉब्लम नहीं होता है मोस्टली जैन का जो प्रॉब्लम होता है वो जेनेटिकली होता है तो पहला क्वेश्चन जिसका मैं uh, जवाब देना चाहूँगी किसी ने मुझसे पूछा था कि सर्जरी बेटर है या केमिकल पी तो uh, केमिकल पील मेरी मम्मी का हुआ था तो मैंने देखा है तो मुझे उसका भी आइडिया है कि वो कैसा होता है तो केमिकल पील में भी अगर आप कराते हो ना तो आप जिस पर्टिकुलर एरिया का कराओगे वो थोड़ा सा डिसकलर हो जाएगा इफ़ यू आर फाइन विद दैट तो ठीक है वो आप चाहो तो मेकअप से छुपा सकते हो लेकिन बॉयज़ तो मेकअप करते रहे राइट तो उन लोगों के लिए तो फिर वो हल्का सा डिसकलर जो है वो दिखता रहेगा तो या और आ, आ, सर्जरी का तो आप देख ही रहे हो मैंने सर्जरी कराया था stitches के मार्क्स बहुत हल्के रह गए हैं एंड अब तो पाँच महीना हो गया है इस बात को uh, तीन महीने में ही वो काफ़ी हल्के हो गए थे कि मैं मेकअप के थ्रू उसको छुपा सकती थी अभी आपको एक भी मार्क नहीं दिखेगा मैंने मेकअप में इसीलिए वीडियो बनाया है कि uh, इसके पहले वाला जो वीडियो था वो मेरा बिना मेकअप के था ताकि लोगों को देखे कि अभी कैसा है और uh, एक मैंने सोचा कि एक मेकअप के मेकअप करके भी बना देती हूँ ताकि लोगों को दिखे कि यार इतना विजिबल नहीं है बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी यू नो कमेंट किया कि मैं आपका एक्चुअल फ़ोटो देखना चाहती हूँ अगर आपको एक्चुअल फ़ोटोज़ देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो विच इज़ मिस क्रेजी ट्वेंटी टू तो वहाँ पे एक्चुअल फोटोज़ दिख जाएंगी सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी ऑप्शन डू यू हैव फॉर जैथलाजमा की रिमूवल के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे लेज़र है एंड केमिकल पील है सर्जरी uh, है ऑफकोर्स तो डिपेंड करता है आपको यू you नो know, आपको कितना हुआ है किस एरिया में हुआ है ये बहुत बड़ा फैक्टर है बिकॉज uh, अगर आपको यहाँ पे बहुत हल्का सा हुआ है तो मे बी यू कैन गो फॉर केमिकल पील क्योंकि वो एरिया बहुत छोटा है तो अगर मानो स्किन उस जगह की हल्की सी डिसकलर भी होगी ना तो शायद उतना वो वो वह के फेस में शायद ब्लेंड हो जाए उतना पता भी ना चले लेकिन मेरा वाला जो केस था ना वो थोड़ा अलग था क्योंकि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा हुआ था तो अल जस्ट पुट द फोटो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हुआ था जिसमें कि अगर हम केमिकल पील या फिर अगर हम लेज़र से कराते तो उतने पूरे दूर का जो स्किन का, का कलर था वो डिसकलर हो जाता जो कि बहुत ज़्यादा दिखता चेहरे पर तो इसलिए मैंने फिर सर्जरी uh, का ऑप्शन चूज़ किया तो डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है उस हिसाब से आप अपना यू नो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या कराना है आपको केमिकल पील कराना है लेजर कराना है या फिर आपको सर्जरी uh, कराना है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि सर्जरी में क्या पेन हुआ था तो यू सर्जरी जो थी वो बहुत ही छोटी थी ज़्यादा बड़ी नहीं थी आधा घंटा लगा था एंड उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया देकर के ये सर्जरी किया था एंड पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ था बिकॉज uh, जब हो रहा था ऑपरेशन तब तो एनेस्थीसिया था एंड उसके बाद आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं कि आपको यू नो प्रॉब्लम ना हो लेकिन आई टेल यू मुझे पेन का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ था बिल्कुल भी नहीं हुआ था मे बी बिकॉज पेन किलर तो थे ही एंड उसके बाद भी जब पेन किलर्स बंद भी हो गए तो ऐसा कुछ भी मतलब यू नो आपको दर्द नहीं लग रहा था हल्का सा डिस्कम्फर्ट भी नहीं कहूँगी हल्का सा तनाव था क्योंकि स्टिचेस लगे थे बहुत हल्का सा तनाव था आ, लेकिन वो स्टिचेस एक हफ़्ते में कट गए थे तो उसके बाद आ, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तो ये मत सोचना कि सर्जरी हो रहा है तो बाप रे बाप इट्स अ वेरी बिग डील और मतलब कुछ बहुत दर्द होने वाला तो ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर अगर आप आपकी सर्जरी होगी तो डॉक्टर विल गिव यू पेन किलर्स एंड एक हफ़्ते में यू नो स्टिचेस जो हैं वो आपके कट जाएंगे सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्कार्स तो स्कार्स तो थे बट वैंथलाजमा जो था ना उससे मुझे स्कार्स ज़्यादा मंजूर था तो वो स्कास थे लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो तीन महीने मैंने दवाई लगाई और तीन महीने में वो स्कार्स जो थे वो काफ़ी हद तक चले गए थे एंड ऐसा नहीं है फिर मैंने डॉक्टर से अपनी पूछा था तीन महीना जब मेरा हो गया तो मैंने उससे पूछा था कि ये ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि तीन ही महीने तक दवाई लगानी थी तो उसने बोला नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो और हील हो हो कर वो बिल्कुल ही मतलब आपके स्किन में ब्लेंड हो जाएंगे वो पता नहीं चलेगा एंड शी वॉज राइट आज की डेट में वो तीन महीने में जैसा था उससे और कम हो गया एंड डे बाई डे वो ठीक और होता ही जा रहा है तो मतलब इतना पता नहीं चलता है कि कुछ हुआ भी था हल्का सा है ऐसा नहीं है कि uh, बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हाँ वो इतना है कि uh, वो मुझे बॉदर नहीं करता है साफ बात देर इज़ वन मोर कॉमन क्वेश्चन जो कि लोग पूछ रहे थे कि आपने कौन सा क्रीम यूज़ किया सो आई यूज दिस क्रीम एंड डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था एंड दिस इज़ एडवांस कार फॉर्मूला तो ये वाला जो क्रीम है डॉक्टर ने मुझे ये बोला था वैसे अगर आप सर्जरी ऑप्ट करोगे तो आप अपने जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको कुछ एडवाइस करेंगे वो आपको खुद ही बता देंगे कि आपको कौन सी क्रीम यूज़ करनी है तो yeah. तो लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि यू you नो know, आपका रिकवरी टाइम कितना था तो रिकवरी टाइम आई वुड से कि तीन महीना था तीन महीने में काफ़ी उस स्टेज पे आ गया था कि जहाँ पे यू you नो know, आप नहीं भी अगर मेकअप करना चाहते हो तो भी इट्स फाइन क्योंकि वो बहुत ही हल्का विजिबल था स्कार्स ठीक है तो आई वुड से थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स जो था उसमें काफ़ी हद तक ठीक हो गया था सो दैर इज़ वन मोर वेरी कॉमनली आज क्वेश्चन एज़ की सर्जरी में कितना पैसा लगा था इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है बिकॉज uh, मैंने जो कराया था मैं आपको वो बता देती हूँ मैंने पंद्रह में कराया था एंड दवाई वगैरह लेकर के सबर अराउंड ट्वेंटी के अप्रॉक्स आया था लेकिन कॉमेंट uh, बॉक्स में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने छः में कराया किसी ने सात में कराया तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में हो क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे एन ऑल एंड ऑल तो इसका जो आंसर है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है बहुत लोगों ने कम में भी कराया है और फिर मेरा भी हो, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी ज्यादा पैसा दे करके कराया हो तो या एंड uh, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि आपने किस डॉक्टर से कराया तो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर डेकिट पेलमो एंड ये गोरखपुर के डॉक्टर हैं एंड हॉस्पिटल का नाम है लाइफ केयर हॉस्पिटल सिविल लाइंस में है तो आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको वहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा तो आप अगर कहीं आस रहते हो तो आप विजिट कर सकते हो लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ही शहर में देखो बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप गोरखपुर आ करके फिर अपना जो जो लोग आस रहते हैं या फिर जो लोग यू नो लोकल है वहां पे उनके लिए तो ये ऑप्शन है आ, लेकिन जो लोग कहीं बाहर से रहते हैं तो इट्स बेटर कि आप अपने ही शहर में कुछ यू नो आप कोई डर्माटोलॉजिस्ट देखो या कुछ लोग होम रेमेडी के बारे में भी बात कर रहे थे तो मैंने पर्सनली कोई होम रेमेडी ट्राई नहीं की बिकॉज मैंने जितना भी पढ़ा इसके बारे में तो उसमें यही था कि ये अपने आप से जाएंगे नहीं यू हैव टू डू समथिंग और दी अदर थिंग टू गेट इट रिमूव्ड तो जिसके ऑप्शंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जैन थलाज्मा रिमूव करने के वही सारे ऑप्शंस हैं तो होम रेमेडी वाला जो है वो मुझे नहीं पता अभी इतने अच्छे से क्योंकि मैंने नहीं किया इसलिए मुझे नहीं इसके आइडिया है अगर किसी का भी होम रेमेडी के थ्रू अगर ठीक हुआ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना ताकि यू नो मतलब मैं भी फिर किसी और को भी बता पाऊंगी तो किसने किसी ना किसी की हेल्प हो जाएगी जो कि इतने यू you नो know, इन सारे प्रोसेसेस से जो नहीं जाना चाहता है तो बट uh, जहाँ तक मुझे पता है मैंने अभी तक कुछ ऐसे सक्सेसफुल होम रेमेडी नहीं आ, उसके बारे में नहीं सुना है तो अगर ये क्वेश्चन उठे कि क्या आप ये सर्जरी करा के संतुष्ट हैं तो डेफिनेटली यस अ बिग यस उसके वजह से आई कॉन्ट टेल यू आई कान टेल यू कि मुझे मतलब कितनी राहत है यार मतलब वो इतना अजीब लगता था, था उसके पहले चेहरा हम ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते एंड वो आपका जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना जब चेहरे पे कुछ होता है ना तो जो आपका एक कॉन्फिडेंस होता है ना वो एकदम शैटर्ड हो जाता है एंड uh, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ uh, यहाँ पर और यहाँ पे भी हल्का सा है पिक्चर में अभी डाल देती हूँ हल्का हल्का सा है जैन थलाजमा और इसका ना टेंडेंसी होता है कि ये ग्रो करते हैं तो uh, उसको उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है तो एक्चुअली इसका जवाब मुझे अभी ठीक से नहीं पता लेकिन हाँ अभी मैं जब अपने इंडिया विजिट पे थी लास्ट टाइम तो मैंने होम्योपैथी की दवाइयाँ की हैं एंड uh, मैं वो दवाइयाँ यहाँ भी लेकर के आई हूँ एंड आई एम हैविंग दैट दवाई तो थोड़े टाइम में पता चलेगा कि वो उससे रुक रहा है नहीं रुक रहा है या जा रहा है बिकॉज़ मैंने कई बार ये भी सुना है कि होम्योपैथी से ये कम्प्लीटली चला भी जाता है विच आई एम नॉट श्योर अभी चूँकि इट्स वेरी न्यू कि अभी हम दवाई लेना स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाँ पाँच छः महीने बाद आई uh, होप कि मैं किसी कंक्लूजन पे पहुँच पाऊँगी कि ये हेल्पफुल है या नहीं है तो अगर किसी ने मतलब होम्योपैथिक uh, दवाई यूज़ की है और उससे उनका ठीक हुआ है तो प्लीज़ ये भी आप कॉमेंट बॉक्स में डालना बिकॉज बहुत सारे लोगों को शायद हेल्प हो जाएगा जो कि इस सारे प्रोसेस और प्रोसीजर से नहीं जाना चाहते और उन लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में डालना एंड अगेन आई एम सेंग दिस कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो या कुछ भी अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड या दैट्स फो टू डेज ब्लॉक गाइज एंड कुछ और अगर होगा कुछ पॉइंट मिस हो रहा होगा तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में आप डाल देना एंड आई ट्राई टू आंसर दैट एंड इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी आप uh, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो विच इज मिस क्रेजी ट्वेंटी टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली यू you नो know, uh, फॉलो कर सकते हो तो यार इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में चल दें बाय बाय एंड टेक केयर